लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 18D, दैट इज मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा। क्वेश्चन नंबर टू इज फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें मीन मीडियन एंड मोड निकालना है। हमें क्लास दे रखी है, क्लास, और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। क्लास दे रखी है 0 to 20, हमें दे रखी है 6 फ्रीक्वेंसी। 20 to 40 दे रखी है हमें 8 फ्रीक्वेंसी। 40 to 60 हमें दे रखी है 10 फ्रीक्वेंसी। 60 to 80 हमें दे रखी है 12 फ्रीक्वेंसी। 80 to 100 हमें दे रखी है 6 फ्रीक्वेंसी। 100 to 120 दे रखी है हमें 5 फ्रीक्वेंसी। एंड 120 to 140 दे रखी है हमें 3 फ्रीक्वेंसी। राइट, हमें मीन निकालना है। मीन के लिए हम क्या करते थे, एक्स निकालते थे पहले, तो एक्स आ गया हमारा मिड वैल्यू, इन दोनों की मिड वैल्यू, दैट इज 10, 30, 50, 70, 90, 110 and 130। अब हमने इसमें से एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। एज्यूम्ड मीन मान लीजिए मैंने 70 माना, तो ये कितना आ गया, d इक्वल्स टू x माइनस a होता है, तो ये आ गया -60, -40, -20, 0, 20, 40 एंड 60। अब हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करें या डायरेक्ट से करें या एज्यूम्ड मीन से करें, वो अपने पे डिपेंड होता है। तो मैं इसमें u निकाल लेती हूँ। u होता था d अपॉन h, h हमें कॉमन दिख रहा है, दैट इज 10 हमारा या 20 हमारा h है, राइट। तो ये कितना आ गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब इसको मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एफ यू वन निकालना है। पहले हम एफ डी निकालते हैं एज्यूम मीन से, लेकिन अब हमें एफ यू निकालना है। दिस इंटू दिस, दैट इज 6 इंटू -3 इक्वल्स टू -18, 8 2 -16, 10 इंटू -1 इज -10, then 0, 6 1s are 6, 5 2s are 10 and 3 3s are 9. तो sigma fu कितना आ गया हमारा, ये आ गया देखिए 9 plus 10 is 19, 25, और यहाँ आया 26 and 18, तो 25 1 बचा इसमें और 18 ये, तो minus का 19 आ गया। मैंने direct calculation कर दी है, आप चाहें तो लिख के भी कर सकते हैं। और F कितना आ रहा है हमारा, ये देखिए सिग्मा F कितना आएगा, 8 14 15 16 16 plus 8 is 24 30, 0 3 कैरी, 4 5 50 आ गया, राइट। अब मीन निकालना है हमें, तो मीन का फॉर्मूला होता था स्टेप डेविएशन के केस में a plus h into sigma fu upon sigma f। तो assumed mean कितना था हमारा 70, plus h कितना था हमारा 20, into fu कितना है -19 और f है हमारा 50। तो ये कितना आ गया, 0 से 0 cancel हो गया, तो 70 plus minus minus 19 2s is 38 upon 5, राइट। अब आगे करते हैं, फाइव एलसीएम लिया, 70 इंटू 5 माइनस 38, दैट इज 350 माइनस 38 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया, 2 बचा, 4 में से 3 गया 1 एंड 3 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया, 5 6 आ 30, 5 2 आ 10, 0.4 आ गया, मीन आ गया हमारा 62.4। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मैंने आपको बताया था मीन और मीडियन निकाल के करिएगा ज्यादातर, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज
बाद में ऐड कर देंगे, 6 + 8 इज इक्वल्स टू 14, 14 + 10 इक्वल्स टू 24, 24 + 12 दैट इज 36, 36 + 6 इज 42, 42 + 5 47 एंड 47 + 3 इक्वल्स टू 50 आ गया। अब आगे करते हैं, ये क्या है हमारा, ये n है, तो n बाय 2 कितना हो गया, 50 / 2 दैट इज 25, राइट। अब 25 कहाँ लाए करेगा, यहाँ लाए करेगा, दैट मीन्स इस वाले में, राइट। तो इसकी लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग मीडियन देख लीजिए, मीडियन का फॉर्मूला होता था L प्लस H इंटू एन बाय टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये कितना आ गया, लोअर लिमिट क्या हो गई, 60। देखिए ये इस वाले लाइन का है, तो 60 प्लस H कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के, तो ये आ गया 20 इंटू एन बाय टू कितना हुआ, दैट इज 25। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इससे पहले वाली, दैट इज 24। और फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इसकी f, दैट इज 12, राइट। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज 18b एक्सरसाइज देखें इसके लिए। आप देखिए 60 + 20 इंटू 1/12, राइट। तो ये देखिए एलसीएम लिया तो ये आ गया 12, 60 इंटू 12 + 20, 20 × 20, तो ये आ गया 720 + 20 अपॉन 12, दैट इज 740/12। डिवाइड करते हैं 12 से, तो 12 × 6 = 72, 20 हो गया, 12 × 12 पॉइंट लग गया, 80 हो गया, अगेन 6 × 72, फिर 80 हो गया, ये 6 6 होता चला जाएगा, तो हम ये 5 से ज्यादा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 61.67 लिख सकते हैं, राइट। अब हमें मोड निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला होता था थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, राइट। तो थ्राइस ऑफ मीडियन कितना हुआ, 61.67, और मीन क्या आया, 2 × 62.4, तो ये देखिए 3 7 = 21, 2 carry 18 19 22 carry, 3 1 = 3 4 5 एंड 6 3 = 18 माइनस 2 4 = 8, 2 2 = 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 6 = 12, राइट। तो अब कितना आया, ये 1 में से 0 गए 1, 10 में से 8 गए 2 पॉइंट, 4 में से 4 गया 0 एंड 8 में से 6 4 गया सॉरी 8 में से 2 गया 6, 60.21। तो मोड कितना आ गया हमारा, 60.21 इज द आंसर।